तो यहाँ पर ये जो लैपटॉप है ये लेनोवो की तरफ से आ रहा है, और ऑफकोर्स इतना बड़ा लिखा है तो लेनोवो की तरफ से आएगा। ये है लेनोवो आइडिया पैड स्लिम 5। लेनोवो की सेटअप गाइड और बाकी वारंटी और पता नहीं अलग अलग चीजें हैं, पेपर वर्क मिल जाते हैं। इसका 65 वॉट का चार्जर और ये इसका पावर कॉर्ड और कुछ है क्या? और बाकी पैकेजिंग को मेरे हिसाब से काफी अच्छे नंबर दिए जाएंगे, एकदम सेफ तरीके से आ रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन लैपटॉप का, अभी यहां पर है ना सबसे पहला टेस्ट ये ले लेंगे कि वन फिंगर ओपन हो पाता है कि नहीं। नहीं भाई, नहीं नहीं, ऊपर आ गया बेचारा। तो यहां पर ये जो भाई साहब है ना ये थिन एंड लाइट कैटेगरी में आता है, 1 किलो 600 ग्राम, और ये अगर चार्जर हम रख देते हैं 2 किलो के आसपास पूरा वेट आ जाता है। तो यहाँ पर जो टॉप एरिया है ना ये मेटेलिक फिनिश के साथ में आता है, और बीच में कुछ नहीं है, साइड में लेनोवो का लोगो आ रहा है। और यहाँ पर ये जो पीछे की ग्रिल है ना पूरी खोल रखी है तो ये काफी सही है। और यहाँ पर इसका ये मेन फैन यहाँ पर मिल रहा है, और ये इस लैपटॉप का ग्रिप है बड़ा सा, और एक यहाँ पर एक छोटा और एक इस तरफ छोटा सा है। और भाई यहाँ पर एक चीज, जो अंदर का जो बिल्ड है ना या फिर जो टेक्सचर कह सकते हो, ये थोड़ा सा मतलब मैट है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा मैट है, लेकिन थोड़ा सा रबरिक टाइप का फील करवाता है जो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है अंदर की तरफ। और यहाँ पर ये जो है ये फिंगरप्रिंट अनलॉक के साथ में आ रहा है। और ना लेनोवो के लैपटॉप में एक बात क्या अच्छी होती है मालूम क्या है, उनके अंदर आपको ना वेबकैम पर प्राइवेसी शटर मिलता है, और जो यहाँ पर भी हमें मिल रहा है। तो अगर मैं इसे एक बार निकाल देता हूँ ये देख सकते हो, और अभी ये चालू है और अभी शटर लग गया, ठीक है, रेड डॉट जैसा दिख रहा होगा, और ये वापस सरकाया और आपका खुल गया। तो देखो यहाँ पर जो मेरे पास लैपटॉप है ना राइजन 5500U के साथ में आता है। अब U का मतलब है अल्ट्रा लो पावर, बेसिकली ये जो लैपटॉप होते हैं ना ये एक लो TDP के साथ देखने मिलते हैं। तो इसके अंदर जो TDP है ना 15 वॉट की TDP आती है, पर ये गेमिंग में जब मैं कर रहा था ना टेस्टिंग, जो TDP देखी थी ना 27 वॉट तक की पावर मैंने देखी थी, मतलब यहाँ पर बूस्ट भी मिल जा रहा है। और यहाँ पर जो लो TDP होने का ना फायदा भी आपको देखने मिलेगा, यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो आपको ज्यादा मिलेगा, और लैपटॉप जो हीटिंग वाला पार्ट है तो वहां पर वो ज्यादा गर्म भी होगा। तो ये सारे बेनिफिट भी निकल कर आते हैं। और इसका एक और बड़ा वाला वेरिएंट भी आता है 5700U के साथ में, और उसकी प्राइसिंग 72,000 के आसपास मिल जाती है। और ये 5500U है ना ये कुछ आराम से 58,000 के नियर बाय आपको Amazon पर मिल जाता है। तो आपको जो भी परचेस लिंक होगा, बाय करना होगा ना, और बेस्ट ऑफर वगैरह के साथ में सभी चीज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो लेनोवो वाले ना कुछ एकदम मस्त एकदम बनाने के लिए लिखा है, पहले मैं भी कंफ्यूज हो गया था सुन के कि इन्होंने लिखा है कि यहां पर जो टॉप है ना वो मेटल पे है, पर यहां पर मेटल कोटिंग पर आता है, लेकिन यहां पर जो पूरा लैपटॉप की बिल्ड है ना मुझे पर्सनली पसंद आई है। और सबसे ज्यादा जो पसंद आया ना वो ये वाला एरिया है, मतलब ये ना थोड़ा सा कोटेड लगता है, एक रबर फिनिश टाइप का मिलता है और थोड़ा सा मैट भी मिलता है। तो बाकी यहाँ पर अभी पोर्ट्स और छेदों को लेकर बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला चार्जिंग पॉइंट है, और बाजू में कुछ LED नोटिफिकेशन वगैरह है। उसके बाद में टाइप सी 3.2 मिलता है जिसके अंदर आप लोग डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, और उसके बाद में चार्जिंग भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को डिस्प्ले आउटपुट लेना है कुछ इस तरीके के हब के जरिए तो वो भी यहाँ पर आप लोग ले सकते हो। और जब मैंने टाइप सी के हब के जरिए मेरा TV कनेक्ट किया था तो वहां पर मुझे 4K 30 हर्ट्ज पर आउटपुट मिल रहे थे, और 1080p पर 60 हर्ट्ज का आउटपुट मिल रहा था। और उसके बाद में माइक और हेडफोन का 3.5mm जैक का कॉम्बो मिलता है, और दूसरी तरफ आपको USB 3.2 टाइप ए वाले पोर्ट मिलते हैं, तो जिसमें से एक जो है ना वो ऑलवेज ऑन रहता है। तो मतलब अगर आप लोग अपना फोन कनेक्ट करना चाहते हो, चार्जिंग करना चाहते हो, तो लैपटॉप भले आपका बंद रहेगा बट चार्जिंग कनेक्ट हो जाएगी, और साथ में आपको एक कार्ड रीडर स्लॉट भी मिल जाता है। तो बाकी यहां पर अभी लैपटॉप के कुछ जो की स्पेसिफिकेशंस है, तो आपको AMD Ryzen 5 5500U वाला 7nm वाला प्रोसेसर मिल जाता है, और ये जो CPU है ना 6-core 12-thread के साथ में मिलता है। और यहां पर आपको जो ग्राफिक मिलता है वो आपको AMD का Radeon Vega ग्राफिक मिलता है 2GB के साथ में, और 8GB की 32MHz वाली RAM मिलती है जो सोल्डर्ड आती है, और 512GB की M.2 SSD है, 15.6 इंचेस का IPS फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है 60Hz के साथ में, और यहां पर जो डिस्प्ले की NTSC वैल्यू है वो 45% के साथ में आती है, जो sRGB कुछ अराउंड 65% के आसपास आ जाता है। और यहां पर जो डिस्प्ले वो 300 nits के साथ में आता है, मतलब मैं कहूंगा कि व्यूइंग एंगल सही है, ऐसा नहीं लगता कि अगर साइड से देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं, या फिर थोड़ा सा भी लैपटॉप की स्क्रीन टिल्ट है तो वहां पर आपको फेड हो गया उस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। और साथ में एंटी ग्लेयर है तो उसका बेनिफिट आपको ये है कि आपके रिफ्लेक्शन या फिर पीछे से कोई ट्यूबलाइट या कोई लाइट का रिफ्लेक्शन लैपटॉप की स्क्रीन पर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्ले ना इसको आप कलर ग्रेडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर NTSC 45% का है, प्रोफेशनल वाला काम होता है जैसे प्रिंट वाला काम हो गया या ऑनलाइन जो काम हो गया, सपोज आपने रेड तो डाला है बट वो प्रिंट होने के बाद कुछ अलग ही कलर निकल कर आ गया, वो
कलर ग्रेडिंग आप इसके अंदर नहीं कर सकते क्योंकि NTSC 45% की है, तो आप कोई एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट कर लेना, तो जिसके अंदर आपको sRGB वैल्यू अच्छी आती है ना, तो वो आप यूज कर सकते हो। और ना यहाँ पर डिस्प्ले के रिव्यू में एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब मैंने यूट्यूब पे कुछ कॉन्टेंट वगैरह देखता हूँ, मुझे ना ऐसे विजुअल ऐसे लग रहे थे देखिए कि सारे पिक्सल्स है ना मिक्स हो चुके हैं और जो मेरी स्किन है ना वो एक तरीके से बोलते ना, मतलब जो वीवो ओप्पो के फोन में कैसा फिल्टर लग जाता है अलग तरीके का, वही सेम मर्ज हो चुका है और कलर भी ना थोड़े अलग से लग रहे थे। लेकिन ये जो पार्ट है ना मुझे किसी किसी ऐसे वीडियो में महसूस हो रहे थे, हर एक वीडियो में नहीं था बट कहीं कहीं ऐसा महसूस हो रहा था। 2W+2W के दो स्पीकर है इसके अंदर और यहाँ पर आपको डॉल्बी ऑडियो का सॉफ्टवेयर भी मिलता है, तो बेसिकली यहाँ पर मूवी के टाइम पे म्यूजिक के टाइम पे किस तरीके से रखना है वो कर सकते हो मैन्युअली, वरना अपने हिसाब से मशीन पहचानेगा, मतलब डॉल्बी ऑडियो पहचानेगा कि म्यूजिक सुन रहे हो गाना सुन रहे हो, जो भी पार्ट है अपने हिसाब से वहां पर बूस्ट करेगा। पर अगर मैं रियल लाइफ में बताऊं ना, इसके स्पीकर लाइक मैं ऐसा नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा ब्लास्टर है, फ्रंट फायर स्पीकर है, यहाँ पर आपको मिलते हैं स्पीकर, तो एक यहाँ पर आई थिंक सो ग्रिल है और ये वाला एक पार्ट ग्रिल है, बाकी ये दो एक्स्ट्रा है बट वो पता नहीं किस काम की है, तो मे बी इंटेक वाला पार्ट के लिए होगा। बस नाम के स्पीकर है, कोई ज्यादा उम्मीद मत लगाना, छोड़ देना बस ऐसे ही। तो यहाँ पर ये जो ऑडियो सुनने मिल रहा है ना, ये फिलहाल इसी लैपटॉप से कर रहा हूँ और जो वेबकैम 720p HD पर आता है और दो ट्यूबलाइट चालू है, पंखा भी चालू है, AC भाई साहब भी चालू है, देख रहा होगा ना स्मोक आ रहा है अच्छा सा, सुबह से चालू नहीं किया इसके लिए। सो लाइक ये वही अपना स्काइप और जूम मीटिंग और जो भी अपना टाइम पास करते हो सबके लिए आपका काम में आएगा। लाइक यहाँ पर जो ऑडियो भी इसी लैपटॉप से शूट हो रहा है और अगर मैं दो ट्यूबलाइट चालू है ना, जिसमें से एक ट्यूबलाइट सपोज ये वाला बंद कर देता हूँ, तो इस तरीके की क्वालिटी, एक थोड़ी से छोटी मोटी लाइट चालू है, तो आप लोग बताओ कि वेबकैम की क्वालिटी और इसकी माइक की क्वालिटी कैसी लगी। तो यहाँ पर है ना मैं थोड़ा सा मेरा यूजर एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। जब मैंने लैपटॉप को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करता हूँ, मतलब फर्स्ट सेटअप करते हैं ना अपन वो वाला पार्ट में, इसका जो वाईफाई ड्राइवर है और जो इवन USB ईथरनेट ड्राइवर भी है वो है ना कह सकते हो अप टू डेट नहीं रहते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, फर्स्ट टाइम कनेक्ट ही नहीं कर सकते हो आपको, मतलब वो ड्राइवर है ना Lenovo की वेबसाइट पे जाकर वो LAN ड्राइवर और वाईफाई एडाप्टर ड्राइवर अपडेट करना पड़ेगा, तो तब जाकर आप फर्स्ट टाइम इसमें इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो। तो देखा ना एकदम रियल लाइफ और ट्रू रिव्यू देते हैं, तो इस बात के लिए वीडियो लाइक भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि लैपटॉप वीडियो का ना भाई साहब क्या टाइम लगता है, मतलब मजा भी आता है बट जो है बात बता रहा हूं आपको। अभी यहां पर इसके अंदर जो कीबोर्ड है ना बैकलाइट चिकलेट कीबोर्ड है, अभी देखो पूरी लाइट ऑफ है, FN और स्पेस बार प्रेस करूंगा तो एक लेवल आता है और वापस प्रेस करूंगा तो लेवल 2 पे चले जाता है और वापस करोगे तो बंद हो जाएगा कम्प्लीटली। जब आप अंधेरे अंधेरे में काम कर रहे हो ना तो वहां पर आपको बैकलाइट काम में आ जाएगी। और यहाँ पर आपको 100% कीबोर्ड मिलता है, तो मतलब नंबर पैड वगैरह सब कुछ है, तो ऑफिस यूजर के हिसाब से एक सही चीज निकल कर आती है। और यहाँ पर जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो भी काफी सही है, तो यहाँ पर ये प्लास्टिक की ट्रैक पैड आता है और जिसका जो आउटपुट है विंडोज जो जेस्चर सपोर्ट करता है, 3 finger 2 finger स्वाइप लेफ्ट राइट जो भी है वो सब तरीके से सपोर्ट करता है और अच्छी तरीके से वर्क करता है, तो ट्रैक पैड और यहाँ पर इसका कीबोर्ड मुझे पसंद आया। तो यहाँ पर आप लैपटॉप को जब बूट करोगे ना तो कह सकते हो कि 15 सेकंड के अंदर लैपटॉप स्टार्ट हो जाता है और इसका जो पावर बटन है ना जो अलग तरीके से दे रखा है, तो वो है ना इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला भी एरिया है, मतलब वहां पर आप अपना फिंगर देकर अनलॉक कर सकते हो लैपटॉप को, तो सिक्योरिटी में ये चीज सही निकल कर आ जाती है। और वायरलेस और कनेक्टिविटी के अंदर आपको वाईफाई 5 का सपोर्ट है और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट आता है, तो लेटेस्ट कनेक्टिविटी तो फिलहाल नहीं कह सकता इसे मैं क्योंकि वाईफाई 6 मार्केट में ऑलरेडी है और ब्लूटूथ 5.2 भी है, तो ओल्ड। और इस लैपटॉप के अंदर है ना आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 मिलता है और वो भी फ्री में, तो लाइफ टाइम फ्री है, अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है और ऑफिस यूजर के लिए तो भाई ये चीज मस्त है और अगर आप स्टूडेंट है तो उनके लिए भी मस्त है। और इस लैपटॉप के अंदर आपको विंडोज 10 मिलता है और जैसे ही फ्यूचर में कभी भी विंडोज 11 का अपग्रेड आता है तो आप वो फ्री में कर पाओगे। और जो नेक्स्ट चीज हमेशा हर किसी लैपटॉप में पूछी जाती है कि अपग्रेड वाला सीन क्या है, तो इसके अंदर 8GB रैम है ना सोल्डेड आती है, तो आप उसे अपग्रेड नहीं कर सकते हो और ना कोई एक्स्ट्रा पोर्ट भी है। और जो यहाँ पर SSD है ना 512GB की आती है, तो वहां पर भी कोई एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है, तो बेसिकली उसे निकालो, 1TB डालना है तो वो डाल दो। और आप लोगों को 2.5 inches की HDD ड्राइव है ना वो भी यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर सिंपल है कि अगर आगे का सोच के जाएंगे ना तो 16GB रैम एक तरीके से मतलब बोलते हैं ना फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा और फ्यूचर में कभी अपग्रेड करने का प्लान हो गया तो वो इसमें तो कर नहीं पाओगे, तो रेकमेंड यही करूंगा कि अगर 16GB वाला अफोर्ड कर सकते हो तो उसकी तरफ चले जाना। तो यहाँ पर इसकी जो स्टोरेज है ना उसका हम लोगों ने ना स्पीड टेस्ट करके देखा, तो जो रीड एंड राइट के जो स्कोर्स आ रहे हैं ना वो काफी ज्यादा सही निकल कर आते हैं और जो सिनेबेंच R23 के स्कोर भी आप लोग देख सकते हो, सिंगल और मल्टी कोर के हिसाब से जो स्कोर आया ना वो काफी सही है और जो 5000 के ऊपर मल्टी कोर के अंदर जो स्कोर जाता है ना वो एक तरीके से प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आप उस लैपटॉप या उस मशीन को कंसिडर कर सकते हो। और उसके बाद में 3DMark TimeSpy का भी हम लोगों ने बेंचमार्क किया, Geekbench 5 पर भी उसका बेंचमार्क करके देखा। अगर आपने कोई दूसरा कॉम्पिटिशन वाला लैपटॉप देख रखा होगा या फिर कोई आपके दिमाग में दूसरा एक लैपटॉप है, आप YouTube पर या फिर Google पर जाकर उस लैपटॉप का बेंचमार्क
स्कोर देख लेना, आपने पसंद किया है और ये वाले लैपटॉप का कंपैरिजन किस तरीके का है, परफॉर्मेंस किस तरीके की है, तो वो आप उन बेंचमार्क के स्कोर को देखकर आइडिया लगा सकते हो। बाकी यहाँ पर लैपटॉप की थर्मल्स मैं कह सकता हूँ काफी ज्यादा सही है, 72 से 75 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मेंटेन रहता है। 423 पर मैंने एक बार सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखा था, तो वहां पर है ना एक ही बार थोड़े सेकंड के लिए 90 डिग्री टेम्परेचर टच होता है और बट सीधा नीचे आ जाता है, 72 75 के आसपास टेम्परेचर मेंटेन रहते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर आप लोग फोटोशॉप हो गया, एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, इन डिजाइन हो गया, इस तरीके का जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, मतलब वहां पर अगर यूज करते हो इस लैपटॉप को, तो वहां पर कोई तकलीफ नहीं है, आराम से आप अपना वहां पर काम कर सकते हो फोटोशॉप डिजाइनिंग को लेकर। लेकिन कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट जैसे मैं आपको पहले ही समझा दिया। अब रही बात यहाँ पर वीडियो एडिटिंग को लेकर, तो इसके अंदर आप लोग 1080p की 30fps तक की वीडियो एडिट कर सकते हो अच्छी तरीके से, और अगर आप लोग 1080p 60fps तक की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वो भी एक बार आप कर सकते हो, और उसके अंदर भी आप लोग 2x की स्पीड को भी आराम से रन कर सकते हो। बट अगर आप लोग 4K 30fps देख रहे हो तो 1.8 क्वालिटी रखनी पड़ती है प्रीमियर प्रो के अंदर, और तब जाके ना थोड़ी सी अच्छी तरीके से मतलब टाइमलाइन रन होती है। तो मैं लेकिन फिर भी कहूंगा कि उतना कंसीडर मत करना, थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर हो जाएगा 4K वाली। 1080p 60fps तक की एडिटिंग एक बार आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। 4K मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि 40 प्लस मिनट दिखा रहा था, तो मैंने किया ही नहीं कुछ, और उसके अंदर ज्यादा कुछ था भी नहीं, एक ए रोल फुटेज थी और एक बी रोल फुटेज थी और एक म्यूजिक था बस, तो 40 प्लस मिनट दिखा रहा था, मैंने छोड़ दिया। सबसे पहले हमने वैलोरेंट टेस्ट करके देखा लो ग्राफिक्स के अंदर, और वी सिंक सभी में ऑफ करके रखी हमने, और वहां पर जो मुझे FPS आ रहे थे 90-100 FPS मिल रहे। और एक बात, जो स्क्रीन है ना वो 60Hz पर ही है, तो भले आपको FPS ज्यादा दिख रहे होंगे बट जो एक्सपीरियंस है वो 60Hz वाली मतलब 60fps वाली मजे ले पाओगे। और उसके बाद मैंने हाई प्रीसेट्स के अंदर गेम प्ले करके देखा, तो वहां पर मुझे 80-90 FPS मिल जा रहे थे, तो वैलोरेंट आप इसके अंदर आराम से खेल पाओगे। और जो सीपीयू टेम्परेचर भी था ना वो 72-75 डिग्री के बीच में देखने मिल रहा था, उससे ज्यादा मैंने टेम्परेचर देखा नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट जो गेम है CSGO ग्लोबल ऑफेंसिव, और वहां पर हाई ऑटो जो रेकमेंडेड सेटिंग है वो हमने रखी थी 1080p के अंदर ही किया, वीसिंग यहां पर भी ऑफ था, और जो वहां पर मुझे FPS है ना 50-60 के नियर बाय देखने मिल रहे थे, जब एनिमी आजू बाजू आ रहा था ना तो वहां पर कुछ 40 के आसपास भी FPS आ गए थे। और उसके बाद में हम लोगों ने GTA 5 की भी टेस्टिंग करके देखी, वहां पर मैंने वीसिंग ऑफ रखी थी और नॉर्मल प्रीसेट्स के अंदर हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, तो वहां पर जो एवरेज FPS आ रहे थे ना 45-50 FPS मिल रहे थे, और उसके बाद में मैंने नॉर्मल प्रीसेट्स पर ही 720 का ही रिजोल्यूशन रख दिया, और वीसिंग यहां पर भी ऑफ थी, और जो FPS मिल रहे थे मैंने 70 प्लस तक के भी FPS देखे थे, बट जो एवरेज मैं कह सकता हूं 55 तक के एवरेज FPS आ जा रहे थे। और ना हम लोगों ने 1080p पर कस्टम के अंदर प्रीसेट रखा, मतलब सारी क्वालिटी एकदम लो कर दी, एकदम जितनी लो सकती थी सभी में कर दिया था, और वहां पर जो मुझे ना FPS एवरेज मिल रहे थे लाइक वो वहां पर भी कुछ अराउंड 55-60 के आसपास के एवरेज FPS आ रहे थे, तो 720p के अंदर अच्छे से रिकमेंडेड, मतलब उसके अंदर और कम कर दो तो वहां पर अच्छे से FPS मिल जाएंगे। अगला हम लोगों ने थोड़ा सा हैवी गेम ट्राई किया, Far Cry 5। यस, Far Cry 5 भी ट्राई करके देखा, और मैंने लो प्रीसेट्स के अंदर यहां पर टेस्टिंग करी 720p के रिजोल्यूशन के साथ में, और V-Sync ऑफ था, और वहां पर मुझे जो एवरेज FPS आए थे वो अराउंड 41 के आसपास एवरेज FPS मिल रहे थे, और ये जो गेम था ना यहां पर जो मैंने सीपीयू टेम्परेचर नोटिस किया वो 82 डिग्री तक टच होकर आया था। और यहां पर एक रॉकेट लीग गेम करके भी है, वहां पर भी हम लोगों ने रेकमेंडेड सेटिंग पर गेम प्ले किया था, और वहां पर भी कुछ कह सकते हो अराउंड 55-65 के अंदर FPS ही मिल रहे थे। और Assassin's Creed Valhalla भी हम लोगों ने ट्राई किया, भाई साहब मतलब पूरा जूस निकाल डाला इस मशीन का, और वहां पर भी जो कह सकते हैं ना 720p के अंदर हम लोगों ने गेम प्ले किया, V-Sync ऑफ था और लो प्रीसेट्स के अंदर गेम प्ले हो रहा था, जो एवरेज FPS वहां पे आ रहे थे तो 33 के ही मिल रहे थे, और 72 डिग्री तक का मैंने यहां पर टेम्परेचर नोटिस किया था, उससे ज्यादा मैंने नोटिस नहीं किया। और यहां पर हमने जितनी भी टेस्टिंग करी थी तो चार्जिंग लगाकर हमने टेस्टिंग करी थी, और यहां पर जो रूम टेम्परेचर है ना वो 27-28 डिग्री के आसपास में था, फैन चालू था बस, और AC ऑफ करके हम लोगों ने सारी टेस्टिंग करी है यहां पर। अभी यहां पर इसकी बैटरी और चार्जिंग वाला सेशन आ गया, जो सबसे ज्यादा जरूरी वाला पार्ट भी है। तो यहां पर आपको 57 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है, 65 वॉट का चार्जर मिलता है, और यहां पर मैंने बहुत जगह ऐसे आर्टिकल्स पढ़े कि आपके पास जो मोबाइल चार्जर भी है जो 65 वॉट वाले चार्जर होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो, टाइप सी के जरिए भी इसे आप चार्ज कर पाओगे। 14 hours तक का बैकअप मिल जाता है, बट मेरी टेस्टिंग के दौरान यहां पर आप लोग स्क्रीन पर स्टैट्स देख सकते हो, और मैंने थोड़ा सा हैवी यूज किया था, जैसे कि मैंने सेटअप वगैरह कर रहा था जिसके अंदर गेम इंस्टॉलेशन हो गया, क्रोम पर भी हमने ट्राई किया था, 20+ टैब एक बार चला के छोड़ दिए थे, कुछ के अंदर यूट्यूब के वीडियोस भी चालू थे 1 घंटे तक, उसके दौरान है ना मतलब यूट्यूब वगैरह के जो 20 tabs है ना वो अच्छी तरीके से रहते हैं बैकग्राउंड में। और यहां पर आपको एक मोड मिलता है कंजर्वेशन मोड, तो अगर आपने वो मोड ऑन कर दिया है और अगर आपने चार्जिंग लगा रखी है तो आपका लैपटॉप 60% तक ही चार्ज होगा, उसके बाद में चार्ज नहीं होगा। तो देखो यहां पर जो फाइनल वर्डिक्ट है ना मेरे इस लैपटॉप को लेकर, तो अगर आप स्टूडेंट्स हो तो इस लैपटॉप को आप कंसीडर
कंसिडर कर सकते हो एक बार। हाँ, गेमिंग वगैरह एकदम हैवी करनी है तो उसके लिए गेमिंग लैपटॉप आते हैं, वो अलग होते हैं बट वो हैवी भी होते हैं। तो फिलहाल लेटेस्ट टाइम पर ये जो लेनोवो का आइडियापैड स्लिम 5 है ना, ये लेटेस्ट आ रखा है और काफी ज्यादा सही है, राइजन की 5th जनरेशन पर आ रखा है। तो यहाँ पर आपका जो ऑफिस वर्क हो गया, इवन थोड़ा सा हैवी वर्क भी हो गया, वो भी यहाँ पर ये संभाल लेगा। और मेरे हिसाब से 60,000 के अंदर अगर आप एक थिन एंड लाइट लैपटॉप देख रहे हो तो एक अच्छी रिकमेंडेशन आप लोगों के सामने, इसे आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। तो जो भी ऑफर वगैरह होंगे, जो भी बेस्ट चीज होगा ना, वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा लिंक, तो वहां से आप जाके इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। और देखो अभी जो मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ तो ठीक है, इनकेस फ्यूचर में कुछ आगे जाके चेंजेस हो जाता है तो उसको लेके मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि लैपटॉप की मार्केट ऐसी है, शॉर्टेज हो जाता है, थोड़ा सा प्राइस हाइक भी हो जाता है। और होप्स हो गाइस यहाँ पर वीडियो आप लोगों को पसंद आया रहेगा, हमारी डिटेल बातें पसंद आई रहेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और आपको क्या वीडियो देखने हैं चैनल से तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों को और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। तो दोस्तों आज की इस टेक की पाठशाला में मेरी तरफ से बस इतना ही।